और ये मिलेगी आपको रूपा जी की दुकान पर। भैया मथुरा में सिर्फ यही मिलती है कि देसी घी की? भाई देसी घी की बन रही है ना ये। और ये अंकल जो बैठे हैं जो कि आप उन्हें जानते होंगे। अंकल कितने के हैं ये सब्जी होगी वो डलवाते रहो। आज मैंने क्या रूपा अंकल की दुकान पर टेस्ट टेस्ट बढ़वाते रहो बेटा। कचौड़ी दुकान देसी घी की जलेबी जो कि भैया बना रहे। भैया देसी घी की जलेबी है ना ये? हाँ देसी घी की जलेबी है भैया। मथुरा में सिर्फ यही मिलती है क्या? कचौड़ी दे दो। और ये क्या बनना है भैया? भैया 100 ग्राम दे देंगे बेटा। जली हुई ऊपर कचौड़ी के साथ सीताफल की सब्जी और आलू की सब्जी नहीं मिलेगी? सब बचे होता है भैया। बना के दिखाइए जलेबी। एक मिनट बाबू जी, एक मिनट। इसकी रेट क्या है भैया जलेबी की? मैंने आपको 500 दिए इसके साथ नहीं रह लीजिए। जलेबी खाली ऊपर है ना। 100 ग्राम दो जगह भी सब्जी को डलवा दूंगा। और ये आ गई भाई जलेबी कढ़ाई में। जलेबी है जलेबा बनेगा? ये जलेबा है। अच्छा जी जलेबी की रेट क्या है? 460 रुपए किलो देसी घी की केसर वाली। केसर वाली तो भाई ये मिलेगी देसी घी की केसर वाली जलेबी। और रूपा अंकल जी की दुकान पर मिलेगी और उनको तो आप जानते होंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा भैया। राजाबाद ट्रेवल्स 24 और ये चाशनी किसकी है? चीनी की है भैया। चीनी चीनी और केसर है ना। अंकल जी तो बिजी हैं थोड़ा सा बात नहीं कर पाएंगे। अंकल और टोपिया दो टोपिया कितने?